जज के मुंशी का बेटा बना जज। हरियाणा सरकार में हुई जयशंकर जी की नियुक्ति। भारतीय जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चिकित्सा मिशन ने किया जयशंकर जी का स्वागत। अति हर्ष का विषय है, पिताजी जज का मुंशी और एक बेटा एडवोकेट और एक बेटा जज, वो भी सनातनी संस्कारी हिंदू, देखकर मन गदगद हो उठा। शंकर जी ने हरियाणा सोनीपत के अटेणा गांव राई हल्का में जन्म लिया और पढ़ाई लिखाई और रहन सहन सब दिल्ली के नरेला संजय कॉलोनी में रहते हुए दिल्ली के स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और ग्रेजुएशन के उपरांत ही जज की पढ़ाई की और हरियाणा में जज के पद पर नियुक्त हुए। भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चिकित्सा मन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हकीम हाजी अब्दुल कयूम जी ने उनकी टीम के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं ने माननीय जज साहब का जोरदार स्वागत किया और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कैसा लगा हाजी? मैं बहुत खुश हूँ और मैं संस्था का तहे दिल से आभारी रहूँगा, ताउम्र मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, कि मुझे इतना सम्मानित किया। तो मैं आप सभी लोगों का पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम दो जनरेशन का संघर्ष हुआ है। पहली जनरेशन मेरे माता पिता, जिनकी पूरी उम्र संघर्ष में चली गई। फिर दूसरी जनरेशन में मैं आया और मेरा भी कम से कम 11 साल का लंबा संघर्ष रहा और दो जनरेशन के लंबे संघर्ष के बाद आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ऐसा कोई खुशी का पल जिसे आप बार बार याद करना चाहेंगे? जो पल मैं आज जी रहा हूं पिछले 10-12 दिन से, जब से मेरा परिणाम आया है, और जो मैं अपने माता पिता की आंखों में खुशी की चमक जो मैं देख रहा हूँ, जो शायद उन्होंने 55-60 साल तक, आज तक कोई खुशी, इतनी बड़ी खुशी नहीं देखी, तो वो ऐसा खुशी का पल है जिसे मैं मरते दम तक याद रखूँगा। ऐसा कोई दुखी का पल? दुख का पल ये था कि मेरे परिणाम आने से एक दिन पहले मेरे पिताजी काफ़ी चिंतित थे और जीवन में संघर्ष काफ़ी लंबा चल रहा था, तो उनको एक दिन पहले पैरालिटिक अटैक आ गया था, जिससे कि उनका नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर गया था। तो वो एक दुख का ऐसा पल था जब मैंने परमेश्वर परम पिता को कहा था कि प्रभु अब संघर्ष शायद ख़त्म होना चाहिए, और शायद ईश्वर तक वो मेरी बात पहुंची और अगले ही दिन मेरा परिणाम आया और मैं जज के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। आपका सपना क्या है? मेरा सपना बचपन से ही, जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी एक जज के चपरासी रहे हैं, बचपन से ही वो मेरे को जज की कहानियाँ सुनाते रहे हैं, जज की गाड़ी पे लगी लाल बत्ती वो लेकर आते रहे हैं, तो उन सब चीज़ों ने बचपन से मुझे ऐसा प्रेरित किया कि मुझे जज बनना है। तो ये मेरा आज का सपना नहीं, मेरा पीछे बीते 27 साल का सपना है। इस बोझ को मैं कहूँगा 27 साल से मैं लिए चल रहा था और आज सपना बोझ नहीं होता, हाँ उस लक्ष्य को मैं साथ लेकर चलता रहा। अब आगे जाके क्या सपना रहेगा आपका? बस आगे यही सपना रहेगा कि ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया है उस मौके को मैं अच्छे से निभाऊं और लोगों को न्याय दूं, और द जस्टिस शुड बी रीच टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द सोसाइटी, एंड आई वॉन्ट टू सर्व द पीपल इन द नेशन, एंड आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट जज इन द सोसाइटी, एंड आई वॉन्ट टू गिव द जस्टिस टू द एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन। सबसे ज़्यादा श्रेय निसंदेह मेरे माता पिता, जिनका इतना लंबा संघर्ष रहा, इस कामयाबी का सारा श्रेय मेरे माता पिता के संघर्ष को, मेरे माता पिता के आशीर्वाद को, और मेरे गुरुजनों को, और ईश्वर को, इन सभी को मैं अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहूँगा। संस्था को क्या कहेंगे आप? संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, सदैव उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया जिस मंच पे आके मैं अपने विचार साझा कर पाया और जन जन तक मैं अपने विचारों को, अपनी कामयाबी को और अपने संघर्ष को, और संघर्ष के दौरान जो किए गए समाधानों को मैं शेयर कर पाया, तो मैं संस्था का सदैव आभारी तहे दिल से रहूँगा। चैनल के बारे में क्या कहेंगे? चैनल के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि चैनल ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार जन जन तक पहुँचा पाया, उनको संदेश दे पाया और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाया।
जज साहब एक छोटा सा सवाल जो कपिल शर्मा हमेशा पूछते हैं जी, क्या कभी सोचा था टैलेंट ऑफ इंडिया के उसको भी कभी आप आएंगे? नहीं बिल्कुल, जैसे आपने बताया कपिल शर्मा पे सवाल पूछा जाता है तो मैं भी वही जवाब दूंगा तो कपिल शर्मा पे जवाब दिया जाता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक ये अपने विचार साझा कर पाऊंगा। खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। किताब संस्था का नाम है भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन, रजिस्टर्ड है और इन्होंने एक जो है आज समिति की तरफ से हमने जो है एक लड़का जो है जज नियुक्त हुआ है हरियाणा राज्य में, भाई शंकर नांगल का रहने वाला है और वो संजय कॉलोनी में रहता है और उनके पिताजी का नाम जो है ऋषि है, उनका बड़ा भाई जो है वो वकील है कोर्ट के अंदर रोहिणी में, अक्षय नाम है और छोटे का नाम शंकर है जो जज लगा है। आज हमारी भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन ने उसको सम्मानित किया है, एक में जो है से शील्ड वगैरह दी है किताब और उसका जो है मतलब सम्मान किया है। हम चाहते हैं कि अब से पहले लगभग 2 वर्षों में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन के जो है 7 बच्चे सरकारी नौकरी पर जा चुके हैं जिनको हमने पढ़ाया है और उनको जो है इस लगन से कोर्स कराया है, वो नौकरी लग चुके हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी में। और एक जो यो 7वां बच्चा है ये शंकर है, ये जज लग गया है, शिष्य हमारा है, बाकी बहुत दिनों से जो है इसका वो है आना जाना है। हम चाहते हैं मालिक से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे बच्चा कामयाब हो और जो है सेवा करे, देश की सेवा करे, फिर जो है क्षेत्र की सेवा करे और सभी साथियों की सेवा करे। नमस्कार, धन्यवाद।